28 मई 2021 की बड़ी खबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर दिन बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की खबर को हम विस्तार से वीडियो में बनाते हैं, बड़ी खबर में आप सभी को बताते हैं। तो दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर होने वाली है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ इसमें आपको मिलने वाली है। कुछ वैसे ही जानकारियाँ जो आप 5 दिन बाद भी इस वीडियो को भी देखेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उस लिंक को ज्वाइन कर लेते हैं तो बिहार के सभी छोटी बड़ी खबरें, जो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की छोटी बड़ी खबरें आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी हो, चाहे LNMU हो, यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, या फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, यानी बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की खबर को बताया जा रहा है। और आज 28 मई है और आज की इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां आपको देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो से जुड़े रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम उससे मोटिवेट हो सकें। कुछ त्रुटियां होती है तो उसमें कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकें ताकि हम उसे सुधारने का प्रयास करें। तो दोस्तों, चलिए आज की क्या कुछ खबर निकल के आ रही है हम आपको विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में, तो चलें हम आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं CBSE से खबर निकल गई है और यहाँ पे बोला जा रहा है 1 जून से हो सकती है डेट शीट जारी, और यहाँ बोला जा रहा है 4 विषयों को ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा, वो भी मार्कशीट पर, और इसमें कई राज्य ने सहमति भी भर दिया। और यहाँ बोला जा रहा है परीक्षा को लेकर के, यानी 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच में हो सकती है परीक्षा, यानी परीक्षा के लेकर के 2 टाइम स्टॉल प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें से पहला जो है 15 जुलाई से 1 अगस्त है और दूसरा जो है 8 अगस्त से 26 अगस्त है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे, यानी 32 राज्य ने इसमें सहमति जाहिर की है। और यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं, मैं मार्किंग करता हूँ, यहाँ बोला जा रहा है 1.5 घंटे के 4 पेपर लिए जा सकेंगे और वो मार्कशीट पर एग्जाम लिया जाएगा, जो कि अपने ही स्कूल में लिया जाएगा क्लास 12th के लिए। ये बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, नेक्स्ट क्या कुछ खबर आ रही है हम जानते हैं। यहाँ आ रही है खबर, देख सकते हैं BEd को लेकर के, यानी सबसे ज़्यादा BEd का फॉर्म पटना से भराया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं इन विभिन्न कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों का डिटेल्स दिया गया है, विश्वविद्यालय संख्या और सीट को देख सकते हैं, और इसे आप टेलीग्राम के माध्यम से इसे जुड़ सकते हैं और यहाँ इसे डाउनलोड करके आसानी से पढ़ भी सकेंगे। नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है NCC को लेकर के, यहाँ बोला जा रहा है 2018-19 सत्र से शुरू किया गया था NCC। तो दोस्तों, इन खबरों को टेलीग्राम पे जा कर के पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, और देख सकते हैं यहाँ नई शिक्षा लेकर के नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी दिया गया कुछ, इसे आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। रोजगार में भी मिलेगा लाभ, यानी NCC वाले स्टूडेंटों को रोजगार में भी लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट क्या कुछ खबर है हम जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं लॉकडाउन के बाद फिर खुलेगा विश्वविद्यालय का पोर्टल, स्नातक में दाखिले के लिए छात्र कर सकेंगे आवेदन, यानी बिहार यूनिवर्सिटी से खबर निकल के आ रही है। और यहाँ स्नातक पार्ट 1 में दाखिला एडमिशन लेने के लिए पोर्टल खुलेगा, लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही पोर्टल खोला जाएगा, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी द्वारा यह बताया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इसमें बहुत सारी खबरें आपको बताने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहिएगा। बहुत सारा यूनिवर्सिटी की आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, डिटेल्स में बताऊँगा। दोस्तों, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं PPU परीक्षा फॉर्म भरने के लिए UG पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए लिंक एक्टिव, इस वीडियो को हम बना चुके हैं, जाकर के कुमार ग्रुप यूट्यूब चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए, सब पूरी जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। कुमार ग्रुप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए साथ ही साथ आपको लिखना होगा कुमार ग्रुप एक साथ लिखना होगा, उसके बाद ही आप चैनल पर आकर के इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्या कुछ खबर है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ RS निकल के, यानी बीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहा है, यहाँ बोला जा रहा है बीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया गया, स्नातक पार्ट 3 की त्रुटिपूर्ण रिजल्ट और पार्ट 2 के एडमिट कार्ड को लेकर के बहुत बड़ी जो गड़बड़ी आई थी उसके लेकर के यह खबर निकल कर रही है। तो इस खबर को आसानी से टेलीग्राम पे जाकर के डाउनलोड कीजिए, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट जो खबर आ रही है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से PhD का रिजल्ट आ चुका है और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे PDF अवेलेबल कर दिया गया है, जाकर के इस वीडियो को भी मैं बना लिया हूँ और प्लेलिस्ट जाइएगा, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जाकर देख सकते हैं, सारी जानकारियाँ दी गई है। और
पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो खबर निकल के आ रही है, यहाँ जैसे स्क्रीन पर इसे मैं जूम करता हूँ, जूम करने के बाद आप आसानी से समझ पाओगे। देख सकते हैं यहाँ बोला जा रहा है गड़बड़ी, स्नातक पार्ट थ्री की त्रुटिपूर्ण रिजल्ट से विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हो रहे हैं परेशान। यह जो खबर निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से खबर निकल के आ रही है। और साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, मैं मार्किंग करता हूँ, पेन का कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बोला जा रहा है स्नातक पार्ट वन और टू के प्राप्तांक में जो गड़बड़ी है उसके रिजल्ट भी लटका हुआ है। देख सकते हैं कंप्यूटर इंचार्ज ने बताया कि स्नातक सत्र 2017 से 20 में कुछ छात्र छात्राओं को प्राप्तांक और अंक पत्र जारी नहीं किए गए हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे एक भी यह भी देख सकते हैं 2017 से 20 में त्रुटिपूर्ण रिजल्ट जारी किया गया, छात्र छात्राएँ और अभिभावक भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। तो ये खबर आप के लिए बहुत बड़ी है। नीचे देख सकते हैं पहले पोर्टल पर दिखाया गया पास, अब उसके बाद बताया जा रहा है ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। दोस्तों यह छात्रों को गुमराह किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर निकल कर रही, इसे आप टेलीग्राम पे जाकर के पेपर को डाउनलोड कीजिए, आसानी से पढ़िए। नेक्स्ट जो खबर निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बोला जा रहा है जून में होगी नामांकन प्रक्रिया, उसके बारे में चल रही है तैयारियाँ। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, ये जो खबर निकल के आ रही है पटना यूनिवर्सिटी से है, और इसे मैं जूम करता हूँ, जूम करने के बाद आप आसानी से पढ़ पाओगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पटना विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया को लेकर के बीमार से चल रहा है कोरोना को लेकर के नामांकन प्रक्रिया को तत्काल ऑनलाइन शुरू करने के लिए बोला जा रहा है कि ये मीटिंग भी हो रही है, और साथ ही साथ उसमें कुछ जो भी निर्णय लिया जाएगा और छात्रों को हित में देखते हुए निर्णय को लिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही थी पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं। साथ ही साथ इसे मैं यहाँ जूम करता हूँ, जूम करने के बाद देख सकते हैं पिछले सत्र की काउंसलिंग क्लास लॉकडाउन के बाद, यानी यहाँ बोला जा रहा है सत्र 2020-21 में काउंसलिंग क्लास अब तक नहीं हुई है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, पेपर को डाउनलोड कीजिए और आसानी से पढ़िए। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो को हम बना चुके हैं, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी पार्ट टू का एडमिट कार्ड दोबारा जारी किया जाएगा, एडमिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वीडियो को जाकर के पूरा देख लीजिए। नेक्स्ट जो खबर आ रही है वीर कुंवर सिंह से ही आ रही है, यहाँ बोला जा रहा है नहीं हुई एडमिशन सेल की बैठक और पीजी नामांकन में विलम्ब हो सकता है। तो ये भी बहुत बड़ी खबर है, जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए विलम्ब है, यानी जो छूट छाट गए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो दोस्तों आप यहाँ पे मैं मार्किंग करता हूँ, देख सकते हैं स्नातक एडमिट कार्ड जारी होने के 5 जून के बाद ही वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने पार्ट सेकेंड यानी पार्ट टू और जिनका सत्र 18-21 उनके परीक्षा के लेकर के 5 मई को एडमिट कार्ड जारी करेगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, इन सभी खबरों को आसानी से पाने के लिए टेलीग्राम यूज कीजिए। नेक्स्ट जो खबर निकल के आ रही है CBSE बोला जा रहा है या सिस्को को ट्रेनिंग के बारे में बोला जा रहा है, तो यह खबर CBSE स्टूडेंट के लिए नहीं है, सिस्को के लिए है। तो चलिए नेक्स्ट क्या कुछ खबर है इसे मैं जूम करता हूँ, जूम करने के बाद दोस्तों आप आसानी से पढ़ पाओगे। देख सकते हैं कई स्कूलों ने अब तक अपलोड नहीं किया है डाटा, यानी CBSE क्लास 10th रिजल्ट के लिए, यानी CBSE बोर्ड को अपलोड डाटा करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक बहुत सारे स्कूलों ने डाटा को अपलोड नहीं किया है। 25% स्कूलों ने बोर्ड को डाटा भेजा है और बहुत कम ही लोगों ने भेजे हैं। 20 मई तक डाटा को वेबसाइट पर दिए गए लिंक पे अपलोड करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। नेक्स्ट क्या कुछ खबर है, बिहार विश्वविद्यालय से खबर निकल के आ रहा है, यहाँ बोला जा रहा है 60,000 छात्र नहीं ले सकेंगे पोस्ट ग्रेजुएट में दाखिला। तो यहाँ देख सकते हैं बिहार विश्वविद्यालय 60,000 छात्र इस बार पीजी में एडमिशन यानी दाखिला नहीं ले सकेंगे। यह छात्र स्नातक पार्ट थर्ड के यानी सत्र 2018-21 में उनको गड़बड़ी को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें आ रही है इस वजह से। तो दोस्तों इस पेपर कटिंग को आसानी से डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे अवेलेबल है। नेक्स्ट जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे BEd से लेकर के आ रहा BEd कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट रिशेड्यूल होने के कारण TMBU को तैयारी का मौका मिल गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ डेट भी मेंशन किया गया, बोला जा रहा है 15 जून की जगह 11 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्रों को चिन्हित कर नोडल विश्वविद्यालय दरभंगा को उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्या कुछ खबर है, पार्ट वन में नामांकन को लेकर के है, यह खबर TMBU से तिलका मांझी
भागलपुर यूनिवर्सिटी से खबर निकल के आ रहा। अब मैं इसे जूम करता हूँ, जूम करने पर आप आसानी से देख भी पा रहे हो, यहाँ देख सकते हैं पार्ट वन में नामांकन को लेकर के अब तक कई तैयारियां शुरू नहीं की गई है। इंटर के रिजल्ट प्रकाशन दो माह से ज़्यादा समय बीत चुका है। इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन पार्ट वन में नामांकन को लेकर कई शेड्यूल कोई भी शेड्यूल तैयार नहीं कर सका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे शेड्यूल को जारी कर देना चाहिए था, तैयारी को जारी कर देना चाहिए था, तब तो जब कभी भी एडमिशन को लेकर के पोर्टल ओपन किया जाए तो आसानी हो सके। तो दोस्तों यह खबर बड़ी खबर थी। नेक्स्ट जो खबर निकल के आ रही है मुंगेर यूनिवर्सिटी की खबर निकल के आ रही है दोस्तों, और यहाँ पे आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे, यहाँ बोला जा रहा है मुंगेर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-24 के लिए नामांकन समिति गठित किया गया है, समिति गठित किया गया है, यानी मीटिंग बुलाई गई है, उसमें कुछ निर्णय लिए जाएंगे। मुंगेर विश्वविद्यालय में प्रशासन स्नातक शैक्षणिक सत्र 2021-24 में नामांकन के लिए कमेटी का गठन किया है। इस कुलपति कुल सचिव प्रोफेसर डीके सिंह ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। और दोस्तों यदि आप मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और बीएससी पार्ट टू का रिजल्ट नहीं देखें तो आपका रिजल्ट आ चुका है, आप जाकर के कुमार के यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वहाँ बताया गया है किस तरीके से आप अपना रिजल्ट को चेक कर पाओगे। नेक्स्ट क्या कुछ खबर है मुंगेर यूनिवर्सिटी से ही है, और यहाँ बोला जा रहा है मुंगेर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-24 नामांकन के लिए समिति गठित किया जाएगा। और यहाँ चलिए इसे ही मैं जूम करता हूँ, शायद यही खबर यहाँ भी थी। चलिए अलग अलग पेपरों से डिटेल्स निकाली जाती है और आपको हम साझा करते हैं। यहाँ सारा कुछ बताया गया, सेम ही न्यूज है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं 2021-24 में नामांकन के लिए मीटिंग बैठाई गई, कमेटी बनाई गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्या कुछ खबर है हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सरकारी आईटीआई वाले स्टूडेंटों जो जिन्होंने एडमिशन लिया उनका पोशाक और जूते का पैसा नहीं मिला है, तो इस वीडियो को देख करके आप अपना सारी जानकारियां ले सकेंगे। दोस्तों कुमार ग्रुप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर दिन हम बड़ी खबर में कुछ ना कुछ अपडेट लेके आते हैं। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो या रिशेड्यूल हो या कुछ भी हो, एडमिट कार्ड हो या परीक्षा कब से होगी, सारी इन्फॉर्मेशन हम लेके आते हैं। तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप अपना राय बताइएगा, हमसे क्या त्रुटि हुई है उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यदि लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट होने पर आपको उत्साहित के साथ आपको सूचित किया जाता है, आपको बता लाया जाता है, खबर को विस्तार से बढ़िया से समझाया भी जाता है। तो दोस्तों वीर कुमार सिंह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय पार्ट टू का जो एडमिट कार्ड है दोबारा जारी होगा, क्योंकि बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई थी। इस वीडियो को आप जाकर के देख लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, कुमार ग्रुप यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख लीजिए। तो दोस्तों मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।